भाजपा ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। इसमें 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में आसनसोल का भी नाम शामिल है, जहां पार्टी ने पहले पवन सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया था। हालांकि पवन सिंह ने बिना किसी कारणों का हवाला दिए यहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। पार्टी ने अपनी 10वीं सूची में उत्तर प्रदेश के लिए 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर, कौशाम्बी से विनोद सोनकर, फूलपुर से प्रवीण पटेल को टिकट दिया गया है। अलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी, बलिया से नीरज शेखर, मछली शहर से बीपी सरोज और गाजीपुर से पारसनाथ राय भाजपा प्रत्याशी होंगे। भाजपा ने चंडीगढ़ से किरण खेर का टिकट काट दिया है। उनके स्थान पर संजय टंडन को उम्मीदवार बनाया गया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से एसएस अहलुवालिया भाजपा उम्मीदवार होंगे। आपको बता दें कि इस सीट से भाजपा ने अपनी पहली सूची में पवन सिंह के नाम का ऐलान किया था। हालांकि पवन सिंह ने पर्सनल रीजन देकर इस सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। पवन सिंह ने अपने एक्स हैंडल से भाजपा द्वारा इस सीट से खुद को उम्मीदवार बनाए जाने पर धन्यवाद भी कहा था।